गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देशवासियों को सीएम ने रामनवमी की बधाई दी है। आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी पर उत्साह के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं। रामलला सनातन जगत की सकल आस्था के केंद्र हैं। रामलला हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। इस बार की नवमी बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण है, सीएम योगी ने कहा। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ रामनवमी को मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने इस मौके पर देखिए हवन यज्ञ में आहुति भी डाली है और सीएम योगी ने कहा कि इस बार की ये रामनवमी एक अलग उत्साह के साथ मनाई जा रही है क्योंकि अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। सदियों के इंतजार के बाद रामलला विराजमान हुए हैं, राम का भव्य मंदिर बन गया है और इस बार की रामनवमी में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया से जाने कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। सीएम योगी ने देखिए रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार की रामनवमी बेहद खास है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर बनाया गया। रामलला के भव्य मंदिर के बनाने के बाद ना केवल इस मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया बल्कि भव्य आयोजन किए गए हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने रामनवमी की बधाई दी है। सीएम योगी ने इस मौके पर अनुष्ठान में हिस्सा लिया, हवन यज्ञ में आहुति डाली। सीएम योगी ने कहा कि आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, ये बेहद खास दिन है। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। तो देखिए रामलला के जन्म दिवस के मौके पर, रामनवमी के मौके पर भव्य आयोजन किए गए।